अनन्या तिवारी की खुशी का नहीं रहा कोई ठिकाना, मिल जो गया उन्हें अपने बर्थडे पर नील मोटवानी से ये सरप्राइज सुहाना। जी हाँ, अपने होने वाली लाइफ पार्टनर के बर्थडे पर नील ने दिया है उन्हें ये स्पेशल बर्थडे सरप्राइज, जिसमें नील ने इनवाइट किया विंध्या के सारे पुराने और खास दोस्तों को, जिन्हें पार्टी में देख हो गई विंध्या भी शॉक। इतना ही नहीं, पार्टी में विंध्या ने जो ये प्रीटी सा गाउन पहना है वो भी एक दिन में डिजाइनर से स्टिच करवा कर गिफ्ट किया है नील ने इन्हें। तो चलिए जानते हैं विंध्या से कैसा लगा उन्हें जन्मदिन पर मिला ये सारा सरप्राइज। 15 दिन से ही मेरे साथ, 6 महीने एक्चुअली, जब भी मैं इनके साथ बैठकर, हमारी एक फेवरेट प्लेस है बांद्रा में, तो हम वहाँ जाते हैं और रात को बैठकर वहाँ पे बातें करते हैं, तो मैं इनको कोई भी चीज़ बताती हूँ तो वो हर एक चीज़, और जो चीज़ मैं नहीं भी कहती हूँ, मेरी अनकही बातों को जो ये समझते हैं, वो इनका एक अमेजिंग टैलेंट है। आई थिंक दैट्स द रीज़न वाई आई फेल इन लव विथ हिम, बिकॉज आई हैव नेवर सीन एनी वन, आज तक मैं तो किसी से नहीं मिली जो मेरी अनकही बातों को बस समझ जाए, और उसी का नतीजा है कि आज मेरे जो भी लोग बहुत खास हैं मेरे इतने सालों के करियर में, बहुत कम लोग ऐसे रहे सेट पे जिनसे मैंने एक दिल का रिश्ता बनाया एक्टर्स के साथ में, तो वो सारे यहाँ पर बैठे हैं। जब मैंने यहाँ पर सबको देखा तो मुझे गूज़बम्स आ गए थे, एंड व्हेन आई वाज वाचिंग द प्रोजेक्टर आई वाज लिटरली इन माय टीयर्स व्हेन आई सॉ माय मदर saying something, और इन्होंने पता, I don't know how he convinced my mother कि वो मुझे ये चीज़ ना बताए, क्योंकि वो हर बात मुझे बताती है, but I think ये काफ़ी लाडले हो चुके हैं मेरी मम्मी के तो। तो जनाब नील ने इस दिन के लिए प्लानिंग 6 महीने पहले से ही शुरू कर दी थी। तो नील, कैसे किया आपने ये सारी प्लानिंग? 6 महीने लग गए मुझे पूरा एग्जीक्यूट करने को। वेल, नील की ओर से ऑर्गेनाइज हुई इस पार्टी की हर बात विंध्या को लगे काफी इम्प्रेसिव। मुझे मतलब सच में एक एक चीज जो आप आज देख रहे हैं मुझे पहने हुए, इनफैक्ट मेरा मेकअप, हेयर, एवरीथिंग, ही मेड श्योर दैट ही नोज माई प्रोफेशन, ही रिस्पेक्ट्स माई प्रोफेशन, एंड ही नोज कि वॉट काइंड ऑफ अ गर्ल आई एम। अगर मुझे जाना होगा बर्थडे में और अच्छे से तैयार होकर जाना होगा तो वॉट शी विल रिक्वायर एंड वॉट आई हैव टू डू फॉर हर। वेल, पार्टी तो हो गई, लेकिन अब ये भी बता दीजिए इस खास मौके पर कि कब कर रहे हैं आप दोनों शादी? ऑफ कोर्स बहुत जल्दी आपको सुनाई देगी, ऐसी बात नहीं है कि हम रिवील नहीं करना चाहते, पर अभी बिकॉज़ विंध्या इज आल्सो वर्किंग, आई एम आल्सो वर्किंग एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, लाइक आई एम पुटिंग अ बिजनेस, सो वी आर सो मच बिजी विद वर्क एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, तो अभी हम इसीलिए कोई ऐसी फाइनल डेट नहीं निकाल रहे। और दूसरी बात, 29.5 जैसे इन्होंने बताया, वी आर वेरी अनप्रडिक्टेबल, सो अगर मैं विंध्या जी को कहता हूँ फ़ोन करके कि आइए नीचे एक चाय पीने जाते हैं, तो बर्मुडा शॉर्ट्स में मैं होता हूँ शॉर्ट्स में और ये बड़े घर के कपड़ों में होती है, और हम लोग सिर्फ चाय पीते पीते लोनावला निकल जाते हैं, और एक बार हम लोग लवासा भी जा लवासा चले जाते हैं, कहीं पे भी चले जाते हैं, तो इट्स वेरी अनप्रडिक्टेबल, सो यू नेवर नो कि आज ये बर्थडे पार्टी है और आपको 3 दिन बाद पता चले कि हम आपको इनवाइट करें शादी के लिए। कोई भरोसा नहीं है, ये मुझे हेलीकॉप्टर बुलाएंगे, हो सकता है इसी के ऊपर ही अभी बोले कि हेलीकॉप्टर आ गया विंध्या, सीढ़ी चढ़ो और बैठते हो और बनारस चलते हो, नागपुर चलते हो, इनका कोई भरोसा नहीं। चलिए, उम्मीद करते हैं विंध्या को जिस तरह से उनके खास दिन पर नील से मिला ऐसा यादगार सरप्राइज, वैसे ही इनके फैंस को इनकी शादी की डेट अनाउंस कर ये दे इससे भी बड़ा वाला सरप्राइज, जिसका है सभी को इंतजार।